हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मम्मा मिमी वर्ल्ड में। आज इंडिपेंडेंस डे है और आपको इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज मैंने सोचा है कि मैं आज आप लोगों के साथ में कोई व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, कोई लाइफस्टाइल नहीं शेयर कर रही हूँ, कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ मिमी की चीज़ें जो मैंने आफ्टर बर्थ, मिमी के बर्थ होने के बाद में जो मैंने उसके लिए यूज़ करी है, मैं सोच रही हूँ वो आपके लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मेरे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं क्या चीज़ रखती थी, क्या लेके जाती थी, और मिमी के होने के बाद मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं जब मिमी हुई थी उसके बाद, और कुछ शॉर्टकट चीज़ें जो कि होम रेमेडीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, बट एज ए ब्रांड प्रोडक्ट्स में वो क्या क्या चीज़ें आ गई हैं जो। और ये मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, ये कोई प्रमोशन ब्रांड नहीं है गाइज। मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी चीज़ आपको सेल नहीं कर रही हूँ। अगर आप सोचें कि मैं कोई चीज़ का ब्रांड प्रमोशन कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं एज अ मदर कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, और एज अ न्यू मॉम कि अगर किसी भी न्यू मॉम को मेरा ब्रांड, मतलब मेरी ये वीडियो देख के अगर लगता है कि उनको कुछ हेल्प होगी, जैसे मुझे लगता था कि ऐसी कोई वीडियो होनी चाहिए कि जिसमें हेल्प हो कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या खरीद सकती हूँ, क्या ले सकती हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे आगे ज़रूरत पड़ सकती हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में शॉर्टकट में आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जिससे कि आपको ज़रूर हेल्प होगी कि अगर आपके पास एक छोटा सा बेबी आने वाला है या छोटा बेबी है तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, एक एक वन बाई वन बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये ड्राई शीट। ड्राई शीट बहुत अच्छा होता है बेबीज के लिए। अगर आप अपने बेबीज को चेंज करा रहे हैं या फिर आप अगर आप बेबी को बिना डायपर के सुलाना चाहते हैं तो मस्ट है आप ड्राई शीट ज़रूर यूज़ करिए। फुल बेड कवर भी आते हैं एज अ ड्राई शीट, बट ये बहुत अच्छे होते हैं, ये आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। इसमें दो साइज अवेलेबल होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ये थोड़ा सा बड़ा साइज है, मैं एग्जैक्ट साइज तो आपको नहीं बता पाऊंगी, बट आप जो अगर शॉप पे जाके सर्च करेंगे तो वो आपको छोटा, जो कि 3 मंथ्स की बेबी के लिए अच्छा रहता है क्योंकि 3 मंथ्स की बेबी ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो छोटा वाला यूज़ करते हैं। और ये बड़ा वाला जो बेबी मिमी जैसे हो जाते हैं, 9 मंथ्स की बेबीज हो जाते हैं जब, तो ये तब बहुत काम आते हैं। तो ड्राई शीट ज़रूर लीजिएगा अपने बेबी के लिए। उसके ऊपर आप ये कॉटन का कपड़ा, ये कॉटन का इस तरह का क्लॉथ आप इसको कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट ड्राई शीट तो आप बेबी के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो इसका फैब्रिक है उससे बेबी को बहुत गर्मी लगेगी, बट कॉटन का कपड़ा एवरग्रीन होता है, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, विंटर्स में भी एंड समर्स में भी। नेक्स्ट मैं आती हूँ क्लॉथ डायपर। ये जो डायपर है क्लॉथ डायपर, इसमें मैं आपको बताती हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि अगर आप बेबी को डायपर नहीं बनाना चाहते हैं और आप ये भी नहीं चाहते हैं कि वो हर जगह शुशु पॉटी मतलब करता रहे, तो उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। अगर जैसे ये वॉशेबल है, देखिए इसका जो फैब्रिक है ये वाटरप्रूफ होता है, इससे बेबी बिल्कुल भी गीला नहीं फील करता, इसमें ये हमेशा ड्राई रहता है, ये वेट बिल्कुल नहीं होता है। इसके अंदर एक इंसर्ट आता है, जैसे कि ये इंसर्ट आता है इसके अंदर का, ये अगर आप इसके अंदर ऐसे अगर आप पहना देते हैं, ये देखिए इसके यहाँ पे एक ओपन क्लॉज टाइप है, अगर आप इसके अंदर ये पहना देते हैं, इसको आपको ऐसे अंदर ये इंसर्ट करना है, ये देखिए, तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। जब मैंने ये नया नया लिया था तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था और मैंने कोई वीडियो भी नहीं देखी थी, तो मैंने इसके ऊपर बना दिया था। फिर इससे क्या हुआ था कि ये तो ड्राई हो जाता है, बट मैंने जब इसके ऊपर बना दिया था तो ये गीला हो गया था और बेबी को वेट फील हो रहा था और वो बहुत रो रही थी, तो इसलिए इसके अंदर पहनाए गाइस, इसके ऊपर ना पहनाए, मेरी तरह आप लोग गलती मत करिएगा। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देती हूँ, ये 3 महीने से लेके 3 साल तक का बेबी इसको यूज़ कर सकते हैं, 3 to 17 kg वेट के बेबी ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें एडजस्टेबल बटन्स होते हैं, ये देखिए, जैसे अभी मैं मम्मी को पहनाती हूँ तो मैं ये बटन को यहाँ टक कर देती हूँ, इस तरह से ये लॉक कर देती हूँ, इससे इसका साइज छोटा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज बड़ा हो जाए, ये देखिए, तो ये बड़ा भी हो जाता है, इसलिए ये इजीली 3
3 months to 3 years के बेबी आराम से इसे यूज कर सकते हैं. ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये एब्जॉर्बिंग है, इसका एब्जॉर्बिंग पावर बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल भी गीला नहीं होता है एंड इट्स वेरी नाइस प्रोडक्ट, यू मस्ट बाय दिस. बस मैं यूज़ करती हूँ वो बेबी हक से यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार बेबी हक का लिया था तो उसके बाद मैं बेबी हक का यूज़ करती हूँ, मैंने सेकेंड कोई चांस नहीं लिया. आप चाहें तो बॉटम डाइपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं उसके बारे में लेकिन आप लोगों को कोई आइडिया नहीं दे सकती, बट पर्सनली बेबी हक के डाइपर्स बहुत अच्छे हैं. थर्ड है डाइपर बैग. ये जब मेबी 3 months की थी उसके बाद हम लोगों ने देव आए थे इंडिया में, तो हम लोग ट्रैवल करने गए थे चंडीगढ़ हमारे हम लोगों के फ्रेंड के पास में. पर्सनली मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास छोटा बेबी है तो डाइपर बैग ज़रूर रखें, उसमें आपका फॉर्मूला मिल्क बॉटल बेबी नैपी बेबी हैंकीज सब कुछ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है. जैसे मैंने ये डाइपर बैग लिया था तो इसमें यहाँ पे बहुत ये देखिए पॉकेट्स बहुत सारी होती हैं, इसमें आप अच्छे से बॉटल्स रख सकते हैं, यहाँ पे आप नैपीज रख सकते हैं और वेट वाइप्स रख सकते हैं, वेट वाइप का पैकेट रख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से वेट वाइप का जो ये देखिए वेट वाइप रखने के लिए यहाँ पे पॉकेट भी है तो आप वेट वाइप रख सकते हैं. इजीली इजी टू कैरी होता है, आप इसको बैकपैक की तरह हैंग कर सकते हैं, इसके हैंग के साथ साथ आप बेबी को भी कैरी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. वेट वाइप्स बेबीज के लिए बेस्ट होते हैं. मैंने ये वेट वाइप्स आफ्टर बेबी के 1 महीने होने के बाद से यूज़ किया था, तब तक मैं कॉटन ही यूज़ करती थी पानी में डिप करके, क्योंकि मैंने सुना है कि न्यू बॉर्न में भी इसमें डायरेक्ट वेट वाइप्स यूज़ नहीं करना चाहिए, तो फिर मेरे माइंड में था कि मैं ऐसा कौन सा वेट वाइप्स यूज़ करूँ कि जो कि बेबी को हार्म ना करे, तो मैंने ये बेबी का मंगवाया था. ये देखिए आप देख सकते हो 98% वाटर वाइप्स है, प्योरेस्ट 98% वाटर वाइप्स प्योरेस्ट वाइप्स है, इसमें 98% वाटर है, इसलिए मुझे ये वाला वाइप बहुत अच्छा लगा. लेकिन मुझे हिमालय का वाइप भी बहुत पसंद है, जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत माइल्ड है, तो इट्स वेरी गुड. अब हम आते हैं स्किन पैक ट्रैवल पैक पे, और ये मिमी का ट्रैवल पैक है, इसमें बॉडी ऑयल बॉडी वॉश मॉइस्चराइजर पाउडर और शैम्पू सब कुछ एक ही पैकेट में अवेलेबल होता है. मैं अपने ड्राइपर बैग में बहुत इजीली से इसे कैरी कर सकती हूँ, तो ट्रैवल पैक अगर आप ट्रैवलर हैं तो आप ये ज़रूर यूज़ करें. अब हम आते हैं कीको के प्रोडक्ट्स पे. मेरे पास है उसका जेंटली बॉडी वॉश एंड शैम्पू एंड नो टीयर्स शैम्पू. मैं बॉडी के लिए उसका जेंटली बॉडी वॉश शैम्पू यूज़ करती हूँ एंड शैम्पू के लिए नो टीयर्स शैम्पू यूज़ करती हूँ, इट्स ऑल्सो वेरी गुड प्रोडक्ट. आते हैं फैब्रिक रोल ऑन पे. मैं गुड नाइट फैब्रिक रोल ऑन यूज़ करती हूँ मिमी के लिए, जो कि मैं उसके मतलब कभी बाहर जाती हूँ छत पे ले जाती हूँ या फिर नीचे ले जाती हूँ तो मैं उसके फैब्रिक पे ये अप्लाई कर देती हूँ, उससे मॉस्किटोज बाइट नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. आफ्टर दैट मदर स्पर्श का टमी रोल ऑन मैं यूज़ कर रही हूँ मिमी के लिए. जब मिमी बहुत छोटी थी तो मम्मा क्या करते थे, बेबी 3 months तक के बेबी 3-4 months के बेबी ज़्यादातर लेटे रहते हैं और उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा मूव नहीं करने की वजह से, तब मम्मी क्या करते थे कि हींग पानी में घोल के उसको अप्लाई करते थे नेवल एरिया पे. हींग एंड सोफ ऑयल ये बहुत इफेक्टिव है मिमी की जब भी टमी में कोई भी पेन होता है तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ, उससे उसको बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है और रिलीफ हो जाता है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं मदर स्पर्श का टमी रोल ऑन. मां अर्थ का है ये ब्रीथ इजी विपर रोल ऑन. जब मिमी छोटी थी तो हम लोग क्या करते थे, दूध में थोड़ा सा जायफल घिस के देते थे, नहीं तो उसके पैरों के नीचे भी एक स्लर्प कर देते थे. उसके बाद उसके 3 months के बाद मैंने ये मामा अर्थ का ब्रीथ इजी वेपर रोल ऑन मंगवाया है, मैं उसके चेस्ट पे ही अप्लाई कर देती हूँ, उससे उसको कोल्ड की कोई भी अगर उसको कोल्ड फील होता है तो उससे ये क्योर हो जाता है, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट मामा अर्थ का. आफ्टर बाइट रोल ऑन, बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत जल्दी रेड और रैशेज हो जाते हैं उनकी स्किन पे, तो उसके लिए मैंने ये आफ्टर बाइट रोल ऑन मंगवाया है मामा अर्थ का. मामा अर्थ के प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एक ही चीज़ बता देती हूँ, मामा अर्थ के प्रोडक्ट केमिकल फ्री है और नॉन टॉक्सिन प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. इसमें ये आफ्टर बाइट रोल ऑन में मैं जैसे ही उसको अप्लाई करती हूँ तो उसके रेडनेस एंड रैशेज कम हो जाते हैं, तो ये
भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो बेबी हैंड सैनिटाइजर, बेबीज के हाथ कहीं भी कभी भी कुछ भी पकड़ लेते हैं, वो मुंह में डालते हैं अपने हाथों को, तो इसलिए बेबी का हैंड सैनिटाइजर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप ये जरूर ट्राई करें, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं बारबी का मैंने लिया है, मैंने फर्स्ट क्राई से ही लिया है। फिर है ये निबुलर, ये निबुलर मैं मिमी के लिए यूज करती हूँ। उसमें मैं कोई भी फ्रूट्स उसमें डाल देती हूँ और उसको फ्रूट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराने में मेरे को ये बहुत इजी रहा है। इसको मैं यहाँ से देखिए ये खोल के मैं यहाँ पे मैं फ्रूट्स डाल देती हूँ और उसके बाद इसको बंद करके, और ये देखिए कुछ जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने रियाद से मंगवाए थे। अगर आपके पास अवेलेबल हो इंटरनेशनल, अगर आप मंगवा सकते हैं तो आप जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट ट्राई करें। मैंने मिमी के होने के बाद से जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट ट्राई करे हैं। इसमें मेरे पास बेबी लोशन, एलोवेरा ऑयल, बेबी का प्लेन ऑयल, बेबी का प्लेन ऑयल, बेबी पाउडर एंड फेस के लिए बेबी क्रीम यूज करती हूँ। तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जो कि मैं मिमी के बॉडी के वंस इन ए वीक अप्लाई करती हूँ। इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल दोनों मिक्स कर रखा है मैंने। विटामिन ई की छोटी सी कैप्सूल एक डाल देती हूँ, और तो ये वंस इन ए वीक आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूँ ये बहुत अच्छी चीज है, ये है थर्मामीटर, ये टच थर्मामीटर है और बेसिकली इसको यहाँ ट्राई करना चाहिए। आप इसको हेड पे देख सकते हैं, 97.3 आ रहा है अभी मेरा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसके साथ ये कैरी बैग आता है, आप इसको ऐसे करके अपने बैग में, अपने ट्रैवल बैग में या फिर घर पे कहीं भी रख सकते हैं। ये बहुत इजी टू कैरी है, तो आप इसको जरूर लें अगर आपके पास छोटा बेबी। प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, नेजो क्लियर के बारे में, ये डॉक्टर रिकमेंडेड है, मेरे को डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया था। आप ये अपने बेबीज के लिए ट्राई कर सकते हैं। कई बार एसी में या किसी भी वजह से बेबी की नाक नोज ब्लॉक हो जाती है, तो आप इस पे इसको ट्राई कीजिए। बेबी की नोज बहुत जल्दी खुल जाती है, उससे बेबी अच्छे से ब्रीथ कर पाता है, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आप अपने पीडियाट्रिशियन से अगर आपके को नहीं दिया है उन्होंने तो आप एक बार उनसे पूछ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है नेजो क्लियर। और ये है बेबी हग का कॉम जो मैं मिमी पे अप्लाई करती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, आप भी अपने बेबी इस पे ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत सॉफ्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है ग्लास बॉटल मिमी के लिए। मैं हमेशा से अभी तक ग्लास बॉटल ही यूज करती आई हूँ, स्टील और प्लास्टिक मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। जब तक हो सकेगा मैं ग्लास बॉटल ही यूज करूंगी, और ये बहुत अच्छा है। ये पिजन कंपनी का ग्लास बॉटल मैं यूज कर रही हूँ। इसके निपल बहुत अच्छे हैं और निपल के इसमें 4 साइजेस अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, वाई एंड लार्ज, 3, 6, 9 and 12 मंथ्स के बेबीज के लिए अलग अलग साइज के निपल्स आते हैं मार्केट में। तो आप पिजन का ग्लास बॉटल भी ट्राई कर सकते हैं। गाइज अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन छोटा सा थोड़ा सा जो जितना भी मैं हो सका दे पाई हूँ मिमी के लिए जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हो किसी के साथ शेयर करना, कोई भी न्यू मॉम है या वुड बी मॉम है, अगर आप चाहते हो कि उनको ये सब चीज़ें पता चले, कि वो देखना चाहें अगर ये सारी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ में मेरा ये वीडियो शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ, तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। बाय बाय, टेक केयर, सायनारा।